अगर आप भी हर रोज़ एक जैसी दाल खाकर बोर हो चुके हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए बनी है। रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हर दिन ऐसी रेसिपी को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक प्रेशर कुकर को ले लिया है और इसमें ले रहा हूँ मैं 2 चम्मच रिफाइंड तेल। आप सरसों में भी बना सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। तेल को गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा और इसके साथ ही डालेंगे क्रैक होने के बाद 1 मीडियम साइज का प्याज स्लाइस में कटा हुआ। आप चाहे तो इसको बारीक भी काट सकते हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेंगे या जब तक भूनिए इसको जब तक कि इसका कलर देखिए इस तरह से चेंज नहीं हो जाता। ये बहुत जल्दी हो जाएगा। प्याज कम है, तेल गर्म है। अब हम इसमें डालेंगे ड्रम स्टिक यानी सहजन की फली। इसको हमने अच्छे से छील लिया है। मैंने 4 ड्रम स्टिक लिया है और हो सके तो जितना कोशिश करें कि ड्रम स्टिक फ्रेश होनी चाहिए और ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। इसको भी 3 से 4 मिनट तक प्याज के साथ भून लेंगे और हल्का हल्का कलर चेंज होने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। पेस्ट की जगह आप इसको कूट के भी ले सकते हैं और काट के भी ले सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे। अगर काट के लिया है तो स्टार्टिंग में डाल दीजिए और इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब मसाले ऐड करते हैं। मसालों में मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लगभग धनिया पाउडर और ये तीनों मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे इसके साथ ही। ध्यान रहे मसाले जलने नहीं चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम में चलाते हुए पकाएं। और फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर, रफली काट के डाला है। टमाटर डालने के बाद नमक डालना बहुत ज़रूरी है, ये टमाटर को गलने में बहुत मदद करेगा और इसको हम थोड़ी देर पका लेंगे। लगभग 2 मिनट तक हम टमाटर को भी ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे जिससे हल्का सॉफ्ट हो जाएगा। और हल्का सॉफ्ट होने के बाद अब हम इसमें लेंगे दाल। फ्रेंड्स, मैंने मसूर और मूंग की दाल ली है 1/2 कप। आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें कोई सी भी दाल ले सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा है तो आप इसको भिगो के ले लीजिए और आप इसको खुले में भी पका सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। लगभग 1 कप ड्रम स्टिक, 1 कप दाल के लिए मैंने लगभग इसमें 700 ml पानी का इस्तेमाल किया है। अगर कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में इसमें बढ़ा सकते हैं। इसको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब गैस का फ्लेम हाई करके हम इसको कवर करके इसमें हम 1 विजल आने तक पकाएंगे। ध्यान रहे ज़्यादा नहीं लगाना है, 1 से 2 लगा दिया तो इसका सूप बन जाएगा। मसूर और मूंग की दाल बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत कम टाइम में पक जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से प्रेशर रिलीज हो चुका है और हम गैस को ऑन करते हैं। गैस का फ्लेम ऑन करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत ठीक है। इसमें लगभग हमने 2 कप पानी और ऐड किया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको गैस का फ्लेम हाई करके 1 बॉयल आने तक वेट करेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद हम डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया ज़रूर डालिए, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम में 1 बॉयल आने तक वेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मज़ेदार सी दाल की रेसिपी बनकर तैयार है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।